हेलो डियर नॉर्सेट एस्पिरेंट्स, जो ये आपके सामने क्रच दिख रही है, मान लेते हैं कि ये क्रच पेशेंट के लिए जितनी चाहिए उससे ज़्यादा बड़ी है, तो उसका वेट इस पे आएगा एक्जिलरी ग्रिप पे, और एक्जिलरी ग्रिप पे जब वेट आएगा तो आपको पता है कि पेशेंट के साथ क्या हो सकता है, एक्जिलरी नाव एक्जिलरी से जा रही है वो कंप्रेस हो सकती है, और एक्जिलरी नाव यदि कंप्रेस हुई तो उस साइड का आर्म पूरा का पूरा क्या हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है। तो ध्यान से समझिएगा, वेट जो सपोर्ट करना है वो पाम ग्रिप पे सपोर्ट करना है, न कि एक्सिलरी ग्रिप पे, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए TSN।